सब चीजें रेडी कर लेना ओके। और भैया ठीक करो, गेट रेडी, मेक इट फास्ट, जल्दी करो। मिस्टर रोहित दीपानिका, आप लोगों ने डायलॉग याद कर लिया? सर हम तो कब से तैयार बैठे हैं, बस आप शॉट तो शुरू कीजिए। आज के प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों ने सही से पढ़ा है ना? क्या प्रोडक्ट है सर? हाँ, क्या जिम इक्विपमेंट्स? जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ लिया सर। वक्त पकाता है। देखिए आप हंसना बंद कीजिए और सीन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। सॉरी सर। जैसे ही मैं एक्शन बोलूंगा, रोहित तुम ट्रेडमिल के ऊपर आओगे और दीपानिका तुम सामने आकर डायलॉग बोलोगे। ओके ओके। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। मिस्टर रोहित, आप ठीक से समझ गए ना? जी उमेश जी, वैसे हम पहली बार शूटिंग नहीं कर रहे हैं। ओह अच्छा, मैं भूल गया था शायद। पता नहीं क्या क्या ड्रामे करेगा यार जहां पर। मेहुल कैमरा रेडी? बस दो मिनट सर, मैं जरा लाइट एडजस्ट कर लूं। अरे यार जल्दी करो यार, शिफ्ट बढ़ जाएगी। आपकी चीजें अभी तक बाकी हैं और आप हमको सेट पर बुलाते हैं। सॉरी रोहित जी, बस दो मिनट। क्या समझ के रखा है आप लोगों ने? कुछ तैयार नहीं है यहाँ पर। आई मीन डायलॉग इज रेडी है कि नहीं पूछे हमको? कब से मर गए कैसे? शूटिंग कहाँ था तुम? सर यहीं पर था सर। शूटिंग यहाँ चल रही है बाहर? सर काम कर रहा था सर। तो बेरे हो गए हो क्या तुम? चिल्ला रहा हूं मैं कब से, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज। 20 मिनट से मैंने तुम्हें जूस मांगा था, जूस का मेरा। सर ला रहा हूं सर, 2 मिनट में सर आ रहा है सर। जूस के लिए 20 मिनट लगता है? हां ला रहा हूं सर, प्लीज ला रहा हूं सर, ला रहा हूं सर। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, जस्ट गेट लॉस्ट। लाता हूं सर, लाता हूं। डोंट ब्लेम चेयर आउट हियर, कुछ नहीं हो। अरे रोहित लिसन बाबा, अपना गुस्सा थूक दो ना। ऐसा करो, रिमूव ऑल योर फ्रस्ट्रेशन ऑन दिस स्टुपिड ट्रेडमिल। ओके राइट, बात वो नहीं है यार। वैसे तो मेरा फ्रस्ट्रेशन तुम्हें हग करके भी निकल सकता है। सबक सिखा रहा हूँ मैं, सबक। डायलॉग याद हो गया? ये याद हो गया? पहली बार शूटिंग कर रहे हैं, मजाक चल रहा है यहाँ पर। I know, पर तुम क्यों टेंस हो रहे हो इतना? I'm okay, I'm relaxed, I'm relaxed. Don't worry, I am not. Don't spoil him more. Not at all. लो, मेरा शूट आ गया। बड़ी मेहरबानी। ये वाटरमेलन जूस है? Yes, sir. What happened? The very juice is also weird. ये जिसने बनाया ना वाटरमेलन जूस, उसको पिलाना। हाँ? Thank you. I don't want it, dear. Okay. Relax, बाबा, तुम इतना टेंस क्यों हो रहे हो? I am absolutely relaxed. लेकिन इनको समझना चाहिए। मैं जानती हूँ, but फिर भी तुम्हारा मुंह खराब हो गया ना? मजाक चल रहा है। Shooting हो रही है यहाँ पर। Everyone should be bloody ready. Out क्या? हमको बता रहे। हाँ बस उतना रख। ओके सर, वी आर रेडी। गुड। रोहित मैं नजर में कंट्रोल रूम में जा रहा हूँ। आप लोग शूटिंग के लिए रेडी हैं? एक घंटे से। आप हमारी इक्विपमेंट देने की जहमत करेंगे प्लीज? ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त रोहित, और आप हैं? दीपानिका। आपका स्वागत करती हूँ टेली शॉपिंग नेटवर्क के इस प्रोग्राम में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिटनेस इक्विपमेंट। हाँ, इन्हें देख के आपको लगेगा कि ये आपकी जिंदगी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। और आज का हमारा प्रोडक्ट है ट्रेडमिल। एब्सोल्युटली। पहला स्पेशल प्रोडक्ट आज का है ट्रेडमिल। तो दीपानिका चमाया प्लीज। एब्सोल्युटली। रेडी दीपानिका? रेडी। Please go ahead. Rohit! Are you okay? You just missed me by 6 inches! You got a yapper! Sir! सर बाहर लाइट गिर गई है सर, रोहित सर पे। सर सर, ओह माय गॉड, उमेश सर। रोहित
क्या है ऐसे घुर घुर के देख लो, इससे पहले कभी देखा नहीं था मुझे। नहीं सर, हम लोग यही देख रहे थे कि आज आप अचानक जिम के कपड़े में। मेरे घर के सामने एक नया जिम खुला है, सोचा आज इनॉग्रेशन कर ही लेता हूं, इसी बहाने कसरत हो जाएगी और आप लोगों को भी कसरत करने की मुझसे प्रेरणा मिलेगी। सर लेकिन इस उम्र में, इस उम्र में मतलब क्या है? नहीं सर मेरा मतलब नहीं क्या हाँ मैं बुढ़ा लगता हूँ तुमको? नहीं नहीं सर मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, बल्कि आप तो विवेक से भी ज्यादा यंग लगते हैं। देखा विवेक, इसीलिए कहता हूँ जिम के कपड़े पहन के बीरो आया करो। अब ठीक है सर, लेकिन कुछ तो वजह होगी यूं अचानक जिम जाने की। सर वजह है किसी को बताएगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस सर। इधर ताशा, दूर प्लीज ताशा, दूर। यस सर। सर मतलब आपके मतलब सर मुझे भी बताइए ना सर। ताशा ऐसी बात है कि इनके पड़ोस में hey, hey, तूने प्रॉमिस किया था किसी को बताएगा नहीं। सर लेकिन ये तो गलत बात है ना सर। सर आप मुझे तो बता सकते हैं ना सर। क्या हो रहा है ये? अरे फ्रेडी ये क्या जिम के कपड़े पहन के बीरो में? तुम्हारे बाकी के कपड़े क्या चोरी हो गए? फ्रेडी सर के पड़ोस में ना सर। फ्रेडी सर के पड़ोस में एक नई औरत आई है सर, और वो भी रहने के लिए। ओहो अच्छा 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 ये बात है, किसके लिए जिम जाना शुरू कर दिया है? नहीं सर। फ्रेडी ये बात भाभी जी को मालूम है? अरे नहीं सर। सर एक शर्ट खरीदी है। शर्ट खरीदी किसने? भाभी जी ने? अरे नहीं सर। नहीं तो क्या पड़ोसन ने? अरे नहीं। अरे तो किसने खरीदी? अरे विवेक क्यों आग लगा रहा है? सर मैंने शर्ट नहीं शर्त कहा था, इसने गलत सुना। अच्छा अच्छा शर्त किसके साथ? पड़ोसन के साथ? हे भगवान क्या सुन रहा हूं मैं है? फ्रेडी भाभी जी के होते हुए तूने अपने पड़ोसन के साथ शर्त लगाई? करेक्ट सर, एग्जैक्टली फ्रेडी सर ने यही कहा था। हाँ 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 कब आई है रहने के लिए? आई एम सॉरी फ्रेडी, ये बात तो मुझे भाभी जी को बतानी पड़ेगी। लगाओ फोन। बात तो सुनो सर, मैंने शर्त तो आपकी भाभी जी से ही लगाई थी सर, शादी की अगली सालगिरह तक मैं अपना वेट 10 किलो कम करके ही रहूंगा। ये बात है, पूछो। हेलो हेलो या हाँ सीआईडी ब्यूरो, क्या कहाँ पे? ओके ठीक है हम लोग आते हैं। रोहित जी जब ये लाइट आपके पास आकर गिरी आपके मन में क्या ख्याल आया? आप एक काम कीजिए, आप यहाँ मेरी जगह पर खड़े होइए, मैं ऊपर जाता हूँ आपके सामने 2 इंच आगे लाइट गिराता हूँ, आपको आपके सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। कैसे लगा? दीपाली का जी आपको क्या लगता है कौन वो शख्स है जो रोहित जी की जान लेना चाहता है? देखिए प्लीज आप बात का बतंगड़ मत बनाइए, एक महज हादसा हो सकता है। प्लीज चलिए आइए, प्लीज 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 चलिए आइए यहाँ से नीचे चलिए प्लीज। हाय सर। हाय क्या हुआ है यहाँ? रोहित मैं शो को कंडक्ट करता हूँ, पोस्ट हूँ इसका। मैं शो को कंडक्ट कर रहा था और अचानक ऊपर से लाइट गई सर, बाल बाल बच गया उस समय। और आप कौन है? सर मैं दीपानिका हूँ, मैं भी एक एंकर हूँ और इन्हीं के साथ ये शो को होस्ट करती हूँ। दीपानिका ये लाइट अपने आप गिर गई, ऐसे गिर सकती है क्या? सर मे बी एक्सीडेंटली गिर सकती है सर। ओहो एक्सीडेंटली गिर गई हो, ठीक है। आप कितने सालों से टीवी शो पर काम कर रही? सर काफी साल हो गए मुझे। काफी साल हो गए तो फिर क्या आपने इतने सालों में कभी लाइट अपने आप गिरते हुए देखी है? नहीं सर। हाँ तो रोहित जी बताइए कौन कर सकता है ये, कुछ बता सकते हैं? पता नहीं सर, मेरे दिमाग में तो किसी का नाम नहीं आ रहा सर। अरे हमें तो किसी ने बताया कि यहाँ पर एक मौत हुई है? हाँ
सर, मौत मेरी नहीं हुई है, बाल बाल बच गया हूँ सर, मौत नहीं हुई अभी। तो फिर हमें फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? फोन किसने किया? सर, सर, सर मैंने किया था फोन। तुम कौन हो? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ सर। और यहाँ हमारे डायरेक्टर साहब की मौत हो गई है। What? What? डायरेक्टर साहब की मौत हुई है? जी सर। तुम कहाँ पर थे इतने देर? मैं सर कहाँ पर थे? सर मैं या किसी को पता भी नहीं है? कहाँ पर है बॉडी? सर ऊपर कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में। प्रिडिक्स, देखो यहाँ से कोई भी बाहर जाने ना पाए, स्टूडियो के बाहर जाने ना पाए, कोई भी नहीं। और विवेक तरह जाकर देखो ऊपर, देखो ये लाइट ऊपर से कैसे गिरी है, देखो जरा। चलो दिखाओ। आइए सर, आइए यहाँ। देखो जरा, देखो कोई चोट या कोई गोली लगने के निशान है क्या? यहाँ पे लाइट इंचार्ज कौन है? सर मैं यहाँ का लाइट इंचार्ज और कैमरामैन दोनों। तुम लोग लाइट ठीक से नहीं लगाते क्या? सर लगाते हैं, हमें भी पता है कि लाइट अगर ऊपर से गिर जाए तो क्या हाल होगा, इसीलिए शूट में चाहे कितना भी देर हो जाए, जब तक लाइट पूरी तरह फिट नहीं होती हम छोड़ते नहीं है। तो फिर लाइट ऊपर से नीचे गिरी कैसे? सर नहीं मालूम। देखिए मालूम नहीं है बोलने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे कितने लाइटमैन हैं? जी 5। वो सब यहीं पे है ना? जी हाँ सब हैं, लेकिन सर उनमें से कोई भी काम नहीं कर सकता। उनमें से किसी ने नहीं किया तो फिर किया किसने? वैसे तो गोली चलने की आवाज किसी ने नहीं सुनी है ना? नहीं सुनी। बाहर से तो कोई चोट वोट के निशान दिख नहीं रहा है, और ये नाखून भी नीले नहीं पड़े, वोट भी ठीक ही है सर। शायद जहर भी नहीं है बॉडी में। सर जब यहाँ रिहर्सल हो रही थी ओए, तो कौन है तू? सर कुछ तो गड़बड़ है सर, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ सर। जरा हमको बताओ एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ था, बताओ। सर बाहर जब वहां लाइट गई तो सब लोग भाग कर आए रोहित सर को बचाने के लिए। ये उमेश जी बाहर नहीं आए हैं? जी उमेश सर नहीं आए थे। अच्छा फिर क्या हुआ? जब ये मुझे वहां पे दिखाई नहीं दिए तो मैं भाग कर इन्हें रूम में बताने के लिए चला आया सर। वैसे उमेश जी यहाँ कर क्या रहे थे? सर कुछ नहीं, मैं जब भाग कर रूम में आया तो ये बस चेयर पर बैठे हुए थे, और जैसे ही मैंने चेयर को हाथ लगाया वो नीचे गिर पड़े। ओ, मतलब जब तुम यहाँ अंदर आए तो ये पहले से मर चुके थे? जी सर। कोई और इनके साथ यहाँ कमरे में था? हाँ सर, एक आदमी था यहाँ पे। कौन है आदमी? यहाँ का ऑपरेटर विकास। ऑपरेटर विकास, कहाँ है वो? जरा बुलाओ उसे। कहीं उमेश की मौत हार्ट अटैक की वजह से तो नहीं हुई? आजकल कम उम्र के लोगों को भी ये दिल की बीमारी होने लगी है। चलो मान लिया था, फिर भी स्टूडियो में एक लाइट गिरती है, इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है, और उसी वक्त डायरेक्टर उमेश की मौत भी होती है, कुछ तो गड़बड़े दया। विकास तुम्हें एसीपी साहब ने बुलाया, वो तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। क्यों, मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगा। चुपचाप चला जा बच्चे, अगर दया सर आ जाएंगे ना तो पैन गिल्ली हो जाएगी तेरी। विवेक कुछ मिल रहा है क्या? सर यहाँ पे एक रस्सी लटकी हुई है सर, जिसमें लाइट बांधी गई थी सर, शायद। रस्सी में बंधी हुई लाइट अपने आप नीचे कैसे गिर गई? रस्सी को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इसे काटी है सर। मतलब कोई रोहित को मारना चाहता है जिसने रस्सी काटी ताकि लाइट उसके ऊपर गिर जाए। सर ये विकास। मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो फिर इतना डर क्यों रहे हो? मैं डर नहीं रहा हूं सर, मैं तो
मैं तो बस ऐसे ही। डर नहीं रहे हो तो फिर तुम्हारा पैर क्यों कांप रहे हैं? हाँ? बोल, क्यों मारा उमेश को? मैंने नहीं मारा उमेश जी को सर, जब शोर हुआ सब बाहर भागे तो तब तक तो ठीक ठाक थे उमेश जी। ठीक ठाक थे? वो बोल रहे थे? हाँ हाँ सर, वो बोल रहे थे और मैंने कहा सर बाहर कुछ हुआ तो कहने लगे तू जाके देख। ये कैसे हो सकता है, है? बाहर इतनी गड़बड़ हो गई और उमेश बाहर आया तक नहीं। सर ये जो रस्सी है इसी से वो लाइट बांधी गई थी सर, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इसे किसी तेज धार वाले चाकू से काटी है सर। मतलब सर किसी ने जानबूझकर रोहित को मारने के लिए रस्सी काटी? हाँ सर, कैमरामैन कह रहा था कि जब रिहर्सल हो रही थी उसने किसी को लाइट के पास खड़ा हुआ देखा था सर, और उसके बाद वो गायब हो गया सर। और रोहित बच गया, इसका मतलब है दया जो भी कोई है वो रोहित को दोबारा मारने की कोशिश करेगा। चलिए जरा प्लीज हटिए प्लीज। हाँ तो बताओ तुम एग्जैक्टली कहां पर खड़े थे? सर बस यही जस्ट ये लाइट और ये यहां खड़ा था। यही जरा उठो जी। तुम यहां पर खड़े थे जी सर, और ये लाइट वहां से ऊपर से यहां गिरी तुम्हारे पैर के, है ना? इसका मतलब है लाइट वहां ऊपर रस्सी से बांधी होगी। हाँ सर, और ये रस्सी भी वहीं से मिली है सर। अच्छा, तुमने देखा ना किसी को ऊपर तरफ पे? जी सर, जहां लाइट बांधी थी हाँ। वहीं देखा। सर शूटिंग का ही कोई आदमी होगा, और कौन हो सकता है? काम करो फ्रेडरिक्स विक, या जितने सारे लोग हैं सबको एक लाइन में खड़े करो, सबको। जितने सारे लोग यहां खड़े रहेंगे लाइन में जी, सबके चेहरे अच्छी तरह से देखो जी सर। देखो क्या इनमें से ही कोई था जिसे तुमने तराफे पर देखा था? अच्छी तरह से देखो, ध्यान से देखो, कोई जल्दी नहीं है, यहां पर एक खून हुआ है, खून। सर इनमें से तो कोई नहीं है। ठीक है विवेक, इन सब के नाम और नंबर्स ले लो, शायद इन लोगों की जरूरत पड़ेगी हमें आगे। फ्रेडरिक्स ये लाइट फोरेंसिक लैब में भेज। तारिका स्कैनर को ऊपर लो, ऊपर एकदम छाती के करीब। यस सर। डन सर। गुड, अब फिक्स कर दो इसे यहीं पर। यस डॉक्टर सारंगे, खबर क्या है, अच्छी है या बुरी है? क्या अभिजीत, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हमेशा अच्छी खबर ही देता हूँ, लेकिन फिर भी तुम आशा करते हो कि... अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो ऐसे ही, आपके बिना हम लोग चीज ही क्या है, आप खबर नहीं दे तो हम तो नहीं, नहीं। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि मैं बुरी खबर देता हूं, ये डॉक्टर तारिका तुम्हें हमेशा अच्छी खबर देती। अरे आप तो उखड़ रहे हैं, जबरदस्ती उखड़ रहे हैं। क्या डॉक्टर तारिका, क्या बात है, सारों के साथ को कुछ बोल दिया क्या? अरे अभिजीत, मैं तो सिर्फ इनकी असिस्टेंट हूँ, मेरी इतनी हिम्मत सुना आपने? हाँ सुन लिया। बहरहाल इस आदमी की मौत करंट लगने से हुई है। करंट से? ये देखो, ये दो बारीक बारीक निशान देख रहे? सर लगता है ये छाती पे इंजेक्शन का निशान है। नहीं ताशा, ये इंजेक्शन के निशान नहीं है, ये जलने के निशान है। मतलब ये निशान बिजली के करंट के? एक मिनट। अभिजीत ये देख रहे हो, ये छोटी सी मशीन, ये तो कोई पेसमेकर जैसा लग रहा है। ये पेसमेकर ही है अभिजीत। पेसमेकर? हाँ पेसमेकर, जिसका दिल कमजोर होता है, अपने आप नहीं धड़कता, उसे ये पेसमेकर लगा देते हैं, ये दिल को धड़काता रहता है, बैटरी से चलता है ये। तो ये उमेश की मौत हुई कैसे, पेसमेकर बंद हो गया क्या? अभिजीत खूनी अच्छी तरह से जानता था कि उमेश पेसमेकर लगाता है, बस उसने कोई ऐसी चीज लगाई जिससे करंट निकला
पेसमेकर से टकराया, बस पेसमेकर ने दम तोड़ दिया, जिससे कि उमेश का हार्ट फेल हो गया, दिल की धड़कन रुक गई और उमेश मर गया। ये आदमी उमेश का कोई दोस्त या रिश्तेदार ही होगा। इसे पता था कि उमेश को दिल की बीमारी है और इसे पेसमेकर लगा हुआ है। अब देखना यह ऐसा कौन सा आदमी है जो उमेश और रोहित दोनों को मारना चाहता था। सर, इस उमेश के वाइफ से पूछते सर, वाइफ को सब कुछ पता रहता है। अच्छा, तुम्हारी वाइफ को पता है पड़ोसन के बारे में? अब ये पड़ोसन कहां से आ गए बीच में? अरे तेरे कोई पड़ोसन भी है क्या? पड़ोसन है बता दूं? अरे अरे फ्रेडी, ए फ्रेडी, अरे ये पड़ोसन के नाम से भाग क्यों गया भाई? ये बड़ी लंबी कहानी है डॉक्टर साहब, फुर्सत में बताऊंगा। ये है रेनू जी, उमेश की वाइफ। आइए रेनू, बैठिए। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? सब पता चल जाएगा, पहले आप बैठिए तो सही। By the way, मैं एसीबी प्रद्युमन। सर, मैं जरूरी मीटिंग में बैठा था और मुझे यहाँ लेकर आया है। आपको तो ये पता लगाना चाहिए कि मुझे कौन मारना चाहता है, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया। लेकिन मेरा पीछा कोई क्यों कर रहा है? हा? क्यों मारना चाहता है मुझे कोई? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है ऑफिसर? वैसे तो उमेश ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था मिस्टर रोहित, फिर भी उसका खून तो हो गया ना। उमेश का खून हुआ है? हाँ रेणु जी, उमेश का खून हुआ है। इसी ने करवाया होगा मेरे उमेश का खून। उमेश का सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है। ये क्या बकवास कर रही है? मैं उमेश को क्यों मरवाऊंगा? तुम लोगों ने मेरे उमेश को मरवाया है। तुम लोगों ने मतलब और भी कोई है क्या? सर ये औरत झूठ बोल रही है। एक मिनट, आप चुप रहिए। रेणु जी आप बोलिए, और कौन है? वो दीपानिका और ये रोहित, ये दोनों ही मेरे पति को बहुत तंग करते थे। तंग करते थे मतलब कैसे तंग करते थे? उमेश ने मुझसे एक बार कहा था कि इस आदमी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। मिस्टर रोहित, क्या ये सच है? मैं कह रहा हूँ कि ये सब झूठ है। तो फिर सच क्या है मिस्टर रोहित? क्या सच? सच ये है साहब की कि उमेश दीपानिका को तंग करता था, उसके पीछे पड़ा था वो। उमेश दीपानिका को पसंद ही नहीं करते थे तो उसके पीछे क्यों पड़े रहेंगे? अगर उमेश दीपानिका को पसंद करता था तो फिर तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं दीपानिका से प्यार करता था। ओह, और ये बात उमेश को पसंद नहीं थी क्योंकि वो उससे प्यार करता था, ज्यादा था वो मुझसे। और मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की लेकिन वो मगर वो नहीं माना और इसलिए तुमने उसे मरवा दिया। मैंने उससे नहीं मारा, मैं कह रहा हूं ऑफिसर, मैंने उसे नहीं मारा। और मुझे शक हो रहा है कि इस रेनू ने उसे मारा है। अपने पति को इसी ने मारा है क्योंकि इसे पता चल गया था कि अब उसका पति किसी और औरत से प्यार करने लगा है। ना ही मेरा पति बेवफा था और ना ही मैं खूनी हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। फ्रेडरिक्स, रोहित को ले जाओ और उसके साथ ही रहना। चलिए रोहित, चलिए चलिए, आइए आइए आइए, चलो चलिए चलिए। मैं चलिए। रेणु जी आप भी जा सकती हैं, अगर जरूरत पड़े तो हम आपको दोबारा बुलवा लेंगे। लेकिन सर, जिसने खून किया था उसे तो आपने छोड़ दिया। रेणु जी असली बात कैसे उगलवानी है हम अच्छी तरह से जानते हैं। दशा आइए। सर एक बात मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रही है, जब एक्सीडेंट हुआ तो सब लोग वहां से भाग गए पर ये उमेश वहीं था सर, भागा नहीं। वही तो मैं भी सोच रहा हूं था, इतनी भगदड़ मची फिर भी उमेश बैठा क्यों रहा? क्यों? ताशा, यहां की एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो, छोटी सी छोटी चीज भी हो ध्यान से देखो, देखो कुछ मिलता है क्या। चिपक रही है सर। देखा कहीं इसमें मैग्नेट तो नहीं फिट किया? कुर्सी में मैग्नेट? हाँ, देखो जरा कुर्सी फाड़ के देखो, देखो अंदर क्या है।
सही निकला सर, मैग्नेट ही है। इसका मतलब है दया, खुनी उमेश को जान रहा था। उसे ये भी मालूम था कि उमेश के छाती में पेसमेकर फिट किया गया है। उसे मालूम था कि शो शुरू होने से पहले उमेश इसी चेयर में बैठेगा, इसीलिए शो से पहले ही उसने कुर्सी में मैग्नेट फिट कर दिया। और जैसे ही उमेश यहाँ इस चेयर पे बैठा, उसके दिल पे जो पेसमेकर लगा था वो इस मैग्नेट की वजह से ठंडा पड़ गया और उसके दिल की धड़कनें कम होती गई, जिसकी वजह से उमेश कुर्सी में से उठ नहीं पाया। इसी का फायदा लेकर खूनी ने कुछ ऐसी चीज उसके छाती पर लगा दी जिसमें से करंट निकला और पेसमेकर बंद पड़ गया और उमेश का हार्ट फेल हो गया। खूनी ने काफी लंबी प्लानिंग की है सर। बहुत लंबी प्लानिंग की है। अब उसे हमसे बचने के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। यार विवेक, आज तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई है। वो कौन सी सर? ये एसीपी साहब मुझे हमेशा ऐसे काम पे क्यों भेज देते? किसी के ऊपर नजर रखना, किसी की देखभाल करना, ये क्या ही है? सर, उन्हें आपके ऊपर पूरा भरोसा है सर। उन्हें मालूम है कि आपकी नजरें कितनी तेज है सर। आप खूनी को एक मिनट के अंदर पहचान लेते हो सर। हाँ अच्छा, तू कहीं मेरी खिंचाई तो नहीं कर रहा है? अरे नहीं सर, मैं और आपकी खिंचाई क्यों सर? अब ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? उल्टा मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है सर। सर ये आदमी कुछ गड़बड़ लग रहा है। सब बढ़ चुका है। बस ये जो उंगलियों के निशान मिले ना हमें इस लाइट पर से और इस मैग्नेट पर से, ये इसी आदमी के। इसी आदमी के? हाँ बस, उमेश का खून इस ही आदमी ने किया है। मगर खून किया क्या होगा सर? शायद किसी ने इसे कहा होगा खून करने के लिए। अगर ये जिंदा होता तो पूछ लेते हैं, मगर फ्रेडी ने तो इसे ऊपर ही पहुंचा दिया। इसने पहले गोली चलाई थी सर, इसकी जगह पे मैं लेटा होता अगर मैंने गोली चलाता। हाँ मगर गोली नहीं चलाना चाहिए था, जिंदा पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो ठीक है, अगली बार कोई मुझ पे गोली चलाएगा तो मैं अपनी शर्ट खोल कर बोल दूंगा इस पे गोली चलाओ, छाती पे। सर अगर आपने अपनी शर्ट खोली तो गोली चलाने वाला गोली चलाने के पहले ही बेहोश हो जाएगा सर। वैसे फ्रेडी एक बात है, किसी को गोली से मार देने से बेहतर है किसी को बेहोश कर देना। वैसे यार एक बात बताओ, ये फ्रेडी की छाती पर ऐसा क्या है जो उसे देखते ही बेहोश हो जाता है फ्रेडी? भगवान, इस दुनिया में जीना मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है मैं आसान कर देता हूँ, पता लगाओ कौन था ये आदमी और क्यों मारना चाहता था रोहित और उमेश को। दया कोई पहुंचा हुआ आदमी लगता है, रोहित के साथ इसकी पुरानी दुश्मनी होगी। सर ये भी तो हो सकता है कि ये खून पैसों के लालच की वजह से हो सकता है। और एक बात है, रोहित पे हमला और उमेश का खून, इन दोनों में कोई ना कोई संबंध जरूर है, जरूर है। सर वॉल्ट में से ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, राघव नाम। राघव? कमाल है सर, आदमी के सामान में लिपस्टिक मिला है। जोरू का गुलाम लगता है वाइफ को खुश करने के लिए लिपस्टिक लेके घूम रहे। सर ये भी तो हो सकता है कि उसने उसके पड़ोसन के लिए रखी हो। पड़ोसन? ये क्या चक्कर है? हाँ हाँ सर, पड़ोसन आपको याद नहीं है? पड़ोसन? अरे पड़ोसन के लिए क्यों, किसी और के लिए भी तो हो सकता है। देखो जरा क्या करते हो फ्रेडी, उठाओ इसे अभी। सॉरी सर। ये आम लिपस्टिक नहीं है सर, ये कुछ अलग है। हाँ और इस पर ये तो कांटों जैसे टर्मिनल्स है, इलेक्ट्रोड्स है। लगता तो ही है ये किसी टॉर्च या लाइटर की तरह,
मगर दया फ्रेडरिक्स काम करो जरा एक पेपर लाओ। ये लीजिए। अरे बाप रे, बड़ी खतरनाक लिफ्टिंग है। सर ऐसे ही जलने के निशान उमेश की बॉडी पर भी मिले। दया, ये कोई ऐसे वैसे लिपस्टिक नहीं, एक तरह का स्टन गन है। स्टन गन? स्टन गन ये क्या है? एक तरह की गन ही समझ लो इसे फ्रेडरिक्स। जब भी ये गन किसी आदमी के शरीर पे लगाई जाए तो इन दो टर्मिनल्स में से एक हाई वोल्टेज करंट निकलता है जिसकी वजह से आदमी को शॉक लग के वो गिर सकता है। ये ज्यादातर औरतें इसकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह से पेपर स्प्रे इस्तेमाल होता है? बिल्कुल उसी तरह ताशा। पर मुझे तो शक है कि उमेश के खून करने में इसका इस्तेमाल किया गया है। बस प्रद्युमन का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उमेश को मारने के लिए इस लिपस्टिक स्टन गन का ही इस्तेमाल किया गया। अब पूरा यकीन है? पूरा यकीन है अभिजीत। ये देखो, ये दो इलेक्ट्रोड्स देख रहे हो? इन दोनों के बीच की दूरी ठीक उतनी है जितनी उमेश की लाश पर बने हुए दो निशानों के बीच की दूरी। मतलब साफ है, राघव ने उमेश को मारने के लिए इस लिपस्टिक स्टन गन का इस्तेमाल किया। कमाल है, लोग ऐसी चीजें अपनी देखभाल और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखते हैं। हाँ यार, मगर इसने तो खून ही कर दिया। और फ्रेडी माशा ने इसका खून कर दिया। नहीं अभिजीत, फ्रेडी ने राघव को नहीं मारा। क्या क्या मतलब? मतलब राघव की मौत फ्रेडी की गन से नहीं हुई। क्या राघव मेरी गन से नहीं मरा? तो फिर ये मरा कैसे? जो गोली हमें राघव की बॉडी में से मिली है वो गोली फ्रेडी की गन से नहीं बल्कि किसी और की गन से चली है। मतलब मेरी गोली राघव को लगी नहीं? नहीं फ्रेडरिक, जब तुमने गोली चलाई ठीक उसी वक्त किसी और ने भी गोली चलाई राघव के ऊपर और बेचारा मारा गया। थैंक यू डॉक्टर तारिका, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो तब से नींद नहीं आ रही थी, दिन रात यही सोचता रहता था कि ये क्या हो गया मेरे हाथ से। ये एक मक्खी भी नहीं मार सकते। आज मैं विवेक की बात का बुरा नहीं मानूंगा, वाकई मैं एक मक्खी भी नहीं मार सकता, लेकिन तुझे मार सकता हूं। मतलब सर, राघव रोहित को मारने गया था और कोई और ही राघव को मारने के लिए वहां पहुंच गया सर। लेकिन कौन कौन हो सकता है? अभिजीत, शायद कोई ऐसा जिसे डर था कि राघव किसी को बता नहीं दे कि उमेश को कैसे मारा गया। रेडी बेबी, पता करो ये लिपस्टिक स्टन गन कहां से खरीदी गई और किसने खरीदी। इस दुकान का मालिक कौन है? जी कहिए, मैं हूं। क्या चाहिए आपको सर? गन मिलेगी? गन? गन? हाँ गन, स्टन गन। स्टन गन बेचते हैं ना? हाँ बेचते हैं, पर आपको क्यों चाहिए? बस ऐसे ही एक खून करना। देखिए सर, ये स्टन गन हम खून करने के लिए नहीं बेचते। आप जाइए यहाँ से प्लीज। जाइए जाइए। ये स्टन गन आप ही की दुकान से खरीदी गई थी ना? एक मिनट सर। सर, इसे तो हमने ही बेचा था। देखो, इस स्टन गन से एक खून हुआ है। अब सच सच बताओ, ये गन किसने खरीदी थी? प्लीज सर, हम तो सामान बेचते हैं, इसमें हमारा क्या दोष? सर प्लीज, हमें इस मुसीबत में मत डालिए सर, प्लीज सर। आपको कुछ नहीं होगा अगर आप सच बोलोगे तो। अब बताओ, ये गन किसने खरीदी थी? हाँ सर, पिछले हफ्ते एक औरत आई थी, उसी को हमने ये गन बेची थी। औरत? उसका कोई नाम या पता है? हाँ सर, उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था, उसकी रसीद है मेरे पास।
तो दिखाओ। ये रही साहब, भगवान से दुआ करो कि खूनी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, वरना तो सर सर सर, ये राघव तो सच में बहुत ही पहुंचा हुआ लगता है। हाँ, घर को देखकर तो ऐसे लगता है। सर, ये शॉपिंग की वाइफ जी, कहिए किससे मिलना है आपको? ये राघव का ही घर है ना? जी हाँ, मगर आप ऐसे कैसे गुस्से चले आ रहे हैं? जी वो हमें राघव के बारे में आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन वो इस वक्त घर पे नहीं है। मालूम है हमें। मालूम है तो फिर क्यों आए हैं आप? जी मैं उनकी पत्नी सीमा, और आप लोग? देखिए, हम लोग CID से हैं, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पति राघव अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? जी हाँ, उनका खून हो गया। खून? ऐसा नहीं हो सकता। संभालिए अपने आप को। देखिए, हम पूरी कोशिश करें आपके पति के खूनी को ढूंढने की। मुझे पता है ये वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए, लेकिन क्या आप बता सकती है ये किसने किया होगा राघव का खून? क्या राघव की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? ऐसा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो मुझे धोखा दे रहे थे। धोखा? किस बात का धोखा? बेवफाई। बेवफाई मतलब? उनका किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। अफेयर? I'm sorry, मगर क्या आप बता सकती हैं किस औरत के साथ अफेयर चल रहा था? क्या नाम था उस औरत का, आप जानती हैं? नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन दो दिन पहले राघव को मैंने फोन पे उस औरत से बात करते सुना था। क्या क्या बात कर रहे थे दोनों? वो किसी पार्सल के बारे में बात कर रहे थे। राघव उसे कह रहे थे कि वो खुद आके वो पार्सल ले लेंगे। पार्सल? जी हाँ। कैसा पार्सल? जी वो तो मुझे नहीं पता, मैं दूर से ही देख रही थी। वो औरत ने उनको पार्सल दिया, उसमें उसमें पैसे थे। तो आपने देखा था उसे पार्सल देते हुए, है ना? जी। क्या पहचान सकते हैं उस औरत को? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से पहचान सकती हूँ मैं उस औरत को जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। कहाँ पे दिया था ये पार्सल? सड़क पे। सड़क पे? ताकि इन्हें ब्यूरो ले चलो और इनसे उस औरत का स्केच बनवाओ। सर, ये स्टन गन शो की प्रोड्यूसर की बीवी का है। आप लोग? हम लोग CID से। क्या आपके पास लिपस्टिक स्टन गन है क्या? जी हाँ है। खून भी उसी स्टन गन से हुआ है। खून? किसका खून? उमेश का खून। और जिस वक्त उमेश का खून हुआ स्टूडियो में, आप वहां मौजूद थे। पर वो गन मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखती हूँ, अगर कोई मुझ पर अटैक करेगा तो मैं अपने आप को बचाऊंगी कैसे? और वैसे भी मैं किसी का खून क्यों करूंगी? ये अभी पता चल जाएगा, सुरक्षा के लिए रखी है या फिर खून करने। आपको शर्म नहीं आते मेरे पत्नी के बारे में ऐसी बात करते हुए? आपने मारा है उमेश को। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? जरा दिखाइए वो स्टंट गन कहाँ है। एक मिनट। किधर ही तो रखी थी। क्या 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 हुआ? क्या अचानक हवाइयां क्यों उड़ गई चेहरे की? मेरी गन नहीं मिल रही है, मैंने इसी पर्स में रखी थी।
मैडम ये पहली बार नहीं है, ऐसे ड्रामे बहुत बार देख चुके हम। मैं सच कह रही हूँ, मैंने मेरी लिपस्टिक शान गन इसी पर्स में रखी थी। पर्स में रखी थी तो कहाँ गई? मुझे क्या पता सर। मुझे पता है, रेडी जरा दिखाओ इन्हें। यही है ना? अरे हाँ, ये तो मेरी स्टन गन है, पर ये आप लोगों को कहाँ से मिली? राघव की जेब में से। कौन राघव? मैं किसी राघव को नहीं जानती, और ये गन उसकी जेब में कैसे आई? अब ये तो आप ही बताइए। मैं भला कैसे बता सकती हूँ सर? नहीं नहीं, बताना तो आपको ही पड़ेगा। खून हुआ है उमेश का, समझे आप? और ये कोई मामूली बात नहीं है। अरे हाँ, याद आया, मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गई थी तो मैंने अपना पर्स बाहर रखा था, शायद उसी वक्त किसी ने आकर। अच्छा 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 अच्छा, तो आपका कहना है कि किसी और ने आपके पर्स में से वो गन निकाली और उसने खून किया है? शायद ऐसा ही हुआ होगा सर। अच्छा, जरा दिखाइए आपने वो पर्स कहाँ पे रखा। दीप्ति दी, अच्छी तरह से याद करके बताइए आपने वो बैग कहाँ पे रखा था। मैंने शायद यहाँ रखा था। पक्का? जी हाँ। और जब आप वॉशरूम से वापस आई तो बैग यहीं पे था? जी हाँ। आपको बैग देख के ऐसा लगा नहीं कि किसी ने हाथ लगाए? मैंने इतना ध्यान तो नहीं दिया, पर जैसे ही मैं बाहर आई मैंने जल्दी जल्दी में बैग उठाया और मैं बाहर निकल गई। आपके बैग से एक स्टन गन चोरी हुई है, उससे एक खून हुआ है, ध्यान रखना चाहिए आपको ना। सर ये लेडीज टॉयलेट है तो गन शायद किसी लड़की या औरत ने चुराई होगी सर। राइट, इसका मतलब ये भी है कि खूनी कोई लेडी है। आप लोग प्लीज बाहर जी। जी। इधर आइए आप प्लीज। विवेक, कोना कोना छान मारो। एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज सर। आप स्केच बन गया सर। स्केच बन गया? ये बात है। नमस्कार दीपांका जी। नमस्कार, जल्दी में है? हाँ, वो एक्चुअली मुझे। अरे मगर हम लोग तो आपसे ही मिलने आए थे। मुझसे? वो भी इतनी रात को? रात तो हाँ। अरे सॉरी, रात तो काफी हो गई, पता ही नहीं चला। वो क्या है कि ये हमारे जो फ्रेडी है ना, इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो आपको इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ना? हाँ, वही काम है ना इनसे, मगर मना कर दिया। कहने लगे कि जब तक हम आपसे राघव के बारे में बात नहीं करेंगे ये डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। राघव? मैं किसी राघव को नहीं जानती। अरे फ्रेडी फ्रेडी, दो मिनट रुक जाओ यार, इलाज हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ ना, पूछ रहा हूँ। एक प्लीज प्लीज दीपांका जी, आप प्लीज प्लीज कुछ भी मत छिपाइए, बता दीजिए प्लीज। सर मैं वाकई नहीं जानती राघव कौन है, और मैं इसका नाम पहली बार सुन रही हूँ। अरे क्या करूँ मैं पूछ रहा हूँ, ये मना कर रही तो मैं क्या करूँ है? जबकि राघव की बीवी ने इन्हें खुद राघव से मिलते हुए देखा है, फिर भी ये नहीं बोल रही तो मैं क्या करूँ? देखा था? हाँ देखा है, वो राघव के पीछे ही खड़ी थी जब आपने सड़क पे राघव को एक पार्सल दिया था। सर वो झूठ बोल रही है। और ये स्केच खुद राघव की बीवी ने बनवाया। अरे फ्रेडी बेटा, पेट दर्द ठीक हुआ? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड बॉय। अब आप प्लीज बताइए क्या था उस पार्सल में? सर सीरियस, सर मैं नहीं जानती उस पार्सल में क्या था, बस मेरे दोस्त ने कहा कि पार्सल ले जाओ और राघव को दे दो। दोस्त ने? सर हाँ, मेरे दोस्त ने कहा कि वो बिजी है काम की वजह से, तो मैं खुद जाऊं और राघव को ये पार्सल दे दूं। अच्छा 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 अच्छा।
क्या नाम क्या है आपके इस दोस्त का? क्यों एक्टर साहब ऐसे देख रहे हो जैसे हमें तुमने पहले कभी देखा ही जी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको फिर से देखकर थोड़ी हैरानी सी हुई बस। अब क्या करें, हम लोग आप जितने बिजी तो है नहीं, तो जब मूड बन गया तो आ गए मिलने तुमसे। जी मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ जाओ, राघव का नाम लूंगा तो सबने दिखने लगेंगे। जी राघव ये कौन है ऐसी सर? राघव को जानते नहीं? नहीं तो मैं किसी राघव को नहीं जानता। राघव? वही राघव रेस्टोरेंट वाला जो मारा गया? अच्छा, वो राघव एसी पी साहब। हाँ अब याद आया। एसी पी साहब, उसे तो आपके इस ऑफिसर ने मारा था। पूछे से खून किया था उसका। मैंने मारा है। देखिए एसी पी साहब, देखिए एक तो खून करते हैं और फिर उखड़े जा रहे हैं। देखिए फ्रेडी कभी उखड़ता नहीं है, और जब उखड़ता है ना तो उखड़ उखड़ के सामने वाले को उखाड़ देता है। दरवाजे की खंडी ने बचा लिया बच्चू। इस वक्त कौन आया है? मुझे नहीं पता। कोई और भी मिला हुआ है इस खून में? खून कैसा खून? एक बात ध्यान में रखो, जो भी कोई है उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर हैं। अरे लेकिन ऐसे कैसे? पता नहीं चलना चाहिए। हाय। हाय रोहित, कहाँ थे तुम? वो मैं बाथरूम में था इसलिए दरवाजा खोलने में बहुत लग गया। तो दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? कह तो रहा हूँ तुमसे, मैं बाथरूम में था इसलिए वक्त लग गया दरवाजा खोलने। पता है रोहित, आज सीआईडी आए थे। सीआईडी वाले क्यों? और मैंने उन्हें ऐसा उल्लू बनाया कि उन्हें मुझ पे शक हुआ ही नहीं। वाकई बहुत अच्छा उल्लू बनाया तुमने। आप लोग यहाँ पर? तुम्हें क्या लगा इतना आसान है सीआईडी वालों को उल्लू बनाना? रोहित, हाँ हमने ही मारा है उमेश को। जीना हराम करके रखा था उसने, मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया था उसने मेरा। पर तुम दोनों तो एक साथ काम करते थे ना इस प्रोग्राम पे। दरअसल कुछ दिन पहले मुझे एक बहुत बड़े फिल्म का ऑफर मिला था, जिसकी वजह से मैं मनोज जी के साथ जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो तोड़ना चाहता था, और मनोज जी मान भी गए थे। पर क्या? पर उमेश ने बीच में टांग अड़ा दी। और इसलिए तुमने उमेश को ऊपर पहुंचा दिया क्यों? और कोई चारा नहीं था मेरे पास। मैं अपने करियर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। और वो जो लाइट गिरी थी तुम्हारे ऊपर, उसका क्या? वो मैंने राघव को मुझ पर लाइट गिराने के लिए कहा था, और रेस्टोरेंट में भी राघव को मैंने ही गोली चलाने के लिए कहा था ताकि मुझ पर कोई शक ना करे। और अपना काम निकालने के बाद तुमने राघव को भी मार दिया? क्योंकि वो भी मुझे ब्लैकमेल करने लगा था, इसलिए दीप्ति के जरिए मैंने उस पर भी गोली चलवा दी। और दीप्ति तुम क्यों साथ दे रही थी इसका, इस पाप में? मैं रोहित के प्यार में अंधी हो गई थी सर। वाह रे वाह, प्यार, वाह, बड़ा सच्चा प्यार है इन दोनों का है? अब दोनों साथ साथ फांसी पर भी चढ़ जाओ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। क्लिक
Click the show links and enjoy watching the videos.